नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ शहर के वैष्णव इलाके आसिफगंज तकिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई कई फीट ऊपर तक आग का शोला दिखाई दिया। देखते ही देखते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगी की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। कपड़े के दुकानदार रिया सिंह का कहना है कि उनका अपने मकान मालकिन मीरा गुप्ता से विवाद चल रहा है। आरोप लगाया कि मकान मालकिन ने दुकान खाली कराने के लिए जानबूझकर आग लगाई है, जबकि दुकान का एग्रीमेंट है और दुकान पर पेंटिंग का काम चल रहा था। रिया सिंह ने बताया कि आग लगी में इस घटना में 20 से 25 लाख के सामान का नुकसान हुआ है और कहा कि इस घटना के लिए अपने मकान मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। अच्छा, ये आग कैसे लगी है? ये आग हमारे जो मकान मालकिन है उसको नाटक करती है खाली दिखाने के लिए। वो कहती है हमसे खाली करो, हमारा 25 तक का एग्रीमेंट है और वो हमसे कह रही है कि खाली करो, हमारा कम से कम 20-25 लाख का उसमें माल है। क्या नाम है, क्या नाम है उनका? आग उसने लगाई है? ये आग वही लगाई है। और बगल वाले के बताइए, बगल वाले की गलती है कि नहीं? उसकी दुकान क्यों खोल के अंदर से दिया जाने के लिए छत पर से? किसी की दुकान भरी हो तो बगल वाले कहेंगे कि जाइए आप अंदर से, हमारी दुकान के अंदर चाहिए, बगल वाले की घुस जाइए। ये कोई तरीका है? जब उनको मालूम था कि हमारा माल घुसा हुआ है, परसों मेरा काम हुआ, कल मेरा काम हुआ, दो दिन हमारा 3 दिन काम चला है पेंटिंग का और पूरा माल मेरा भरा हुआ, ये कोई तरीका है इनका? हम इनको छोड़ेंगे ना, मुकदमा करना चाहते हैं इनके ऊपर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।